अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग को लेकर अभियान चलाने के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। इसी के तहत सरकारों को ज्ञापनों से प्रदर्शन तक दिए जाएंगे। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव को देखते हुए युवाओं को मतदान के प्रति सजग करने का भी अभियान एबीवीपी चलाएगी। रामपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री आकाश नेगी, विभाग संयोजक मंजीत नेगी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उपासना ठाकुर व इकाई सचिव रोबी ठाकुर ने कहा कि सरकार छात्र संघ चुनावों को बहाल करे, नौनी व पालमपुर विश्वविद्यालयों में फीस कम की जाए, केंद्रीय विश्वविद्यालय आधारभूत ढांचे को जल्द तैयार करने की मांग, छात्रवृत्ति घोटाले की जांच तेज करने की मांग, निजी विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार व शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक आदि मुद्दों को लेकर एबीवीपी एसडीएम व जिलाधीशों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजेगी। उसके बाद 5 फरवरी को जिला केंद्रों पर छात्रवृत्ति को लेकर प्रदर्शन व 8 फरवरी को इकाई स्तर पर प्रदर्शन होंगे। इसके साथ साथ इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों में प्रदेश के युवाओं को 100% मतदान के प्रति प्रेरित किया जाएगा। साथ ही 10 से 25 फरवरी तक युवा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें शिक्षा संस्थानों में उभरते भारत नई आशाओं पर परिचर्चा और संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थी परिषद एसडीएम और डीसी के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपने वाली है और 5 फरवरी को जिला स्तर पर प्रदेश सरकार के खिलाफ इसको लेकर एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसी के निमित्त आगे 8 फरवरी को इकाई स्तर पर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाने वाला है। और जैसे कि हम जानते हैं 2019 में एक लोकतंत्र का महापर्व जिसे हम कह सकते हैं, जो इलेक्शंस पूरे भारत में होने वाला है, विद्यार्थी परिषद इसमें युवाओं का 100% मतदान करवाने के लिए एक अभियान चलाने वाली है। या तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा वहाँ की फीस बच्चों से ली जाती है और अपने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो शिक्षा का व्यापारीकरण जो एक मुख्य मुद्दा बहुत टाइम से रहा है, उसको लेकर विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से मांग करती है कि एक नियामक आयोग जो है उसको ज़्यादा एक्टिवली उस पर पार्ट लेने दिया जाए और इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए। और जो विश्व पूरे प्रांत में विद्यार्थी परिषद के पूर्व की कांग्रेस सरकार से विद्यार्थी परिषद की जो मांग रही है और आने वाले